हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम आ गया है तो उसी के लिए मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर लेके आया हूँ। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जैसे जैसे बताऊँगा वैसे वैसे आप लोग पढ़ाई करते रहना। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, राइटिंग। एग्ज़ाम में आप लिख क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे लिखना है। तो हम लोग टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, कैसे लिख रहे हैं और कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, सारी बातें करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करिए। और हाँ, ध्यान से डिस्क्रिप्शन में एक हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पेड कोर्स परचेज़ करना है तो फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप है, आप उससे कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे है, इतना मिनिमम कॉस्ट पे हमारा कोर्स है कि आप अज्यूम नहीं कर सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग देखिए, एक चैप्टर वन है और यूनिट वन का पहला टॉपिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमेशा ध्यान में रखिए, ग्रेजुएशन में अगर आप हैं तो पहला जो टॉपिक होता है उससे एक या दो क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमेशा जैसे हम लोग एक्सपेक्टेशन करके आ चलते हैं ना कि यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट वन बच्चा हमेशा दो क्वेश्चन देता है, हमेशा, मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। ओके, तो इसको बहुत क्लियरली आप लोग पढ़ के जाएंगे, एक छोटी सी डायरी, एक पेज में एक नोट्स बना लेंगे, आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेनेशन के चीज़ में आप तो खुद माहिर हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप खुद जानते हैं। ओके, लेकिन मैं थोड़ी सी हेल्प करूँगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। आपको भी ऐसे लिखना है, अगर क्वेश्चन पूछ ले स्कोप, केवल स्कोप पूछे तो भी आपको इंट्रोडक्शन देना है, सिग्निफिकेंस पूछे तो भी आपको इंट्रोडक्शन देना है, अंडरस्टैंडिंग एंड नेचर पूछे तो भी आपको क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना ही देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है बिजनेस फाइनेंस का इंट्रोडक्शन की बजाय आप डिफिनीशन हेडिंग दे सकते हैं, डिफिनीशन हेडिंग देके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मटेरियल मेरा नहीं है, स्टडी मटेरियल ये किसी बुक से, किसी ऑथर से लिया गया है, केवल यही एक डिफिनीशन नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिवीजन के लिए पढ़ा देता हूँ। बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड अदर असेट, इट इज़ अ क्रूशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस हेल्प इन द मेकिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन एंड अचीविंग द फाइनेंशियल गोल। आप इतना लिख दोगे, इसके बाद कैसे प्रेजेंट करोगे, एक इसी के नीचे एक टॉपिक लिख देना, की पॉइंट, जैसे आपने एक इसी को लिखा की पॉइंट। की पॉइंट में आपने क्या देखा, पहला इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ मनी, सेकंड दूसरा एंड अदर असेट, क्या है, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। ओके, एंड क्या है, हेल्प इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल। आपने अपने हिसाब से कोई भी डिफिनीशन दिया, डिफिनीशन देने के बाद क्या करोगे, एक की पॉइंट बना के एक ऐसे ब्रैकेट में बना दोगे, ब्रैकेट बना के उसके बाद
एक आप नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेनेशन देके अब मैनेजमेंट अदर असेट्स सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ अचीविंग फाइनेंशियल गोल इसको आप अपने लैंग्वेज में बच्चा एक्सप्लेन कर दोगे, आपका एक कवर कर जाएगा दो पेज। तो फिर से रिवाइज कर लो, इंट्रोडक्शन में क्या क्या की पॉइंट है, मैनेजमेंट ऑफ मनी अदर असेट सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड अचीविंग फाइनेंशियल गोल। आप चाहो तो एक पेज पे एक की पॉइंट अपने हिसाब से नोट कर लो, जो कि आपको एग्ज़ाम के दिन देखने में बहुत ईजी आएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर नेचर ही पूछ ले तो डायरेक्ट आप नेचर नहीं लिखेंगे, आप पहले 0.5 पेज में डिफिनीशन जरूर देंगे, इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। ओके, क्योंकि देखो पेज का गेम है, पेज का गेम है, कितने पेज लिखने हैं आपको पता है, और कैसे मार्किंग होती है। अगर आप LU से एफिलेटेड कॉलेजों में हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। तो अब उसको दिखाना नहीं है ना कि पेज हम भर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक इधर से मार्जिन कर दिया, एक इधर से मार्जिन कर दिया, इसमें लिखना चालू कर दिया। नहीं, मैं जब ग्रेजुएशन में था हमेशा मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, मैं कभी मार्जिन नहीं करता था, ना ही राइट साइड ना ही लेफ्ट साइड। मैं कंटेंट लिख के आता था, कंटेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके आता था। हाँ, मैं एक की पॉइंट का यूज़ करता था, मैं ग्राफ का यूज करता था, चार्ट का यूज करता था, जिससे पेज अच्छे से भरे भरे लगते थे। टीचर ने पहला पेज देखा, देख रहा है बच्चा पेज भरना चाह रहा है, उसका माइंडसेट हो गया, वो आपका एवरेज मार्किंग कर दिया, वन मार्क्स, कंटेंट देखा नहीं चला गया। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, कुछ बच्चे करते हैं, अपने अकॉर्डिंग करें, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस डील विद एक्वायरिंग एलोकेशन एंड मैनेजिंग फंड। एक्वायरिंग, मेरे साथ आप भी क्या करो, नोट्स बना लो, एक्वायरिंग एलोकेशन मैनेजिंग फंड। आपको नेचर में अगर एक लाइन में आपने देखा एक्वायरिंग एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड दिख गया, तो आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। एक टॉपिक दे दिया, एक्वायरिंग ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड, मैनेजमेंट ऑफ फंड। ठीक है, आप अगर इसी को एक्सप्लेन करेंगे तो एक लाइन दे दो ना, एक ग्राफ बना दो, एक्वायरिंग ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड, ठीक है, मैनेजिंग ऑफ फंड। इससे क्या होगा, आपका कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, आप लिख लोगे और आपको इजीली समझ में आएगा। मैं हमेशा यही फॉलो करता था, तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को हेल्प करेगा। इट इनकम्पासेज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्या करता है ये, इनकम्पास करता है इन्वेस्टमेंट को, फाइनेंशियल प्लानिंग को और रिस्क मैनेजमेंट को। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज इसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। आपने एलोकेशन ऑफ फंड की का एक टॉपिक बना लिया, एक्वायरिंग ऑफ फंड, मैनेजमेंट ऑफ फंड, तीसरा आप कर दो हेल्प इन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट, और कैसा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, इससे आपको की पॉइंट मिल गया, आपको एग्ज़ाम के दिन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस कहें कि इंट्रोडक्शन देना, एक इंट्रोडक्शन में 5 पॉइंट है, अपने हिसाब से आप एक्सप्लेन करके लिख लोगे। और नेचर में इतना छोटा सा तो मैंने नेचर बता दिया, इसके बाद आपको तो बढ़ाना है, बढ़ाओ कैसे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन आपने एक दे दिया, क्या डिफिनीशन दे दिया, मतलब समझा दिया, उसके बाद यहाँ डालो नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, इसको कैरेक्टरिस्टिक करके डाल दो या हेल्प इन करके डाल दो, एलोकेशन ऑफ फंड, एक्वायरिंग ऑफ फंड, मैनेजमेंट ऑफ फंड, हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। 5 पॉइंट मिल गया, 5 पॉइंट को आप पहले एलोकेशन ऑफ फंड, एक्विजिशन ऑफ फंड,
ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फंड, फंड फंड फंड, हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म, पांच पॉइंट आप इसको एक्सप्लेन कर लो। कितने 5 पॉइंट हो गए, ठीक, 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दोगे आपका नेचर कंप्लीट हो जाएगा, टीचर भी देखेगा, अच्छे मार्क्स देगा, अच्छे मार्क्स देगा, आप विश्वास करो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन हाँ, आपने एक, अगर यही क्वेश्चन आ गया तो आपने की पॉइंट बनाया, एक बॉक्स बना दिया, ये आपने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया, टीचर को दिख रहा है, टीचर को एक ग्राफ आपने यहाँ बना दिया, फिर एक्सप्लेनेशन करके एक यहाँ बना दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये हो गया आपका नेचर कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बेटा पूरा गेम है लिखने का, पूरा गेम लिखने का, प्रेजेंटेशन का। द स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट आल्सो इन्वॉल्व कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। क्या क्या है स्कोप में, क्या क्या है स्कोप में, इंक्लूड है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल बजटिंग एंड फाइनेंशियल असेट एंड फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। एक्सप्लोरिंग द स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज वाइटल और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ओके, अब इसको कैसे लिखना है, देखो आई होप सबको समझ में आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें, बस आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिख के आएंगे। आप क्या करना है, स्कोप लिखो, स्कोप में क्या क्या इंक्लूड है, फाइनेंशियल मार्केटिंग, देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, देन कैपिटल बजटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, फोरकास्टिंग पांच आपने एक दे दिया, इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे अपने लैंग्वेज में। बेटा ये रिवीजन वीडियो है जिसमें मैं आपको एक नोट्स प्रिपेयर करने के तरीके और पढ़ा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। डिटेल क्लास हमारी पड़ी है, आप टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से आप उसमें क्या करो, उसमें कोर्स ले लो, बहुत मिनिमम कोर्स है, उसमें बहुत डिटेल पढ़ाया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो आपको हमारी जैसे ही मिलेगी वैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा, एक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में 5 पॉइंट बनाया, नेचर, नेचर में भी हमने 5-6 पॉइंट बनाए, कैसे दिखना है वो कैसे आप अपनी नोट्स प्रिपेयर करेंगे और कैसे वहाँ लिखेंगे वो बना दिया, स्कोप में आपने 5 पॉइंट एक क्लाउड बना दिया। ध्यान से यहाँ पे आपने की पॉइंट बनाया, अपने हिसाब से कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है, लाइनिंग बना दिया, यहाँ पे एक आपने ट्री शेप बना दिया, हायरार्की बना दिया, यहाँ पे आपने क्लाउड बना दिया, ये सब टीचर को इफ़ेक्ट करेगा। 5 पेज ईजिली हो जाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करते चलना। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। देखो सिग्निफिकेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अब बिजनेस फाइनेंस इज़ ए सिग्निफिकेंट फॉर इनहेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस फाइनेंस क्यों जरूरी है, क्या सिग्निफिकेंट है, ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इन्हेंस करता है, रिस्क को मैनेजमेंट करता है, इंश्योर करता है सस्टेनेबिलिटी को कि आप फ्यूचर में ग्रोथ करें, इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन इनोवेशन एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग, रिकॉग्निशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज अ क्रूशियल कंपिटेटिव एडवांटेज। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बिजनेस फाइनेंस क्या क्या करता है, सिग्निफिकेंट करता है, जो कि इन्हेंस, आप सबको पता है क्या सिग्निफिकेंट है, बिजनेस फाइनेंस अगर अच्छे से हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, रिस्क को मैनेजमेंट होगा, इंश्योर करेगा कि आपकी सब आप फ्यूचर में ग्रोथ करें और
आप आगे इन्हेंस कर सकें, एक्सपेंशन कर सकें, मतलब बढ़ सकें, इन्वेंशन कर सकें, नई चीज़ों को खोज सकें, एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग में आपका हेल्प करता है। यहाँ से भी आप देखो, सबके पॉइंट एक दूसरे से मैच करते हुए आएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर एक नोट्स बना देंगे तो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। सिग्निफिकेंट लिखा, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट में क्या दिया, इन्हेंस करेगा। इन्हेंस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस कर दिया, मैनेज कर दिया रिस्क को कर दिया, इंश्योर कर दिया सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर दिया, हेल्प करेगा एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ठीक है। और इनोवेशन में नई चीज़ें खरीदने में, ठीक। और स्ट्रेटजिक प्लानिंग, ऐसे पांच पॉइंट आप बना लो, पांच, उससे बेटर है। आपका एग्ज़ाम के दिन ऐसे खोलोगे, दो से तीन क्वेश्चन तो बेटा तीन क्वेश्चन तक आ जाते हैं, ठीक है। आप बस बना के रखो, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंक्लूड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन एंड ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, आल्सो फोकस ऑन लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, अथरिंग टू दीज प्रिंसिपल इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सिंपल सा है कि क्या क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल में इंक्लूड किया है, कि प्रॉफिट को बढ़ा देना, रिस्क को घटा देना। आप ऐसे एक ग्राफ बना दोगे, इंक्रीज प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट का, और डिक्रीज रिस्क, ठीक है। रिस्क को डिक्रीज कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, ठीक है, या मैक्सिमाइज कर देना। देखो, हम रिस्क को कम नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, हम रिस्क को एपेटाइड कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और फोकस ऑन द लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। आ जाओ अगले टॉपिक पे चलते हैं। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस का सोर्स क्या है, बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है। इक्विटी, डेट फाइनेंस, इंटरनल फंड, इट आल्सो इन्वॉल्व वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन, और अंडरस्टैंडिंग दीज सोर्स एसेंशियल फॉर रेजिंग कैपिटल। आप कुछ नहीं करना, नहीं समझ में आ रहा है तो सोर्स बनाओ, सोर्स में क्या डालो, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल में क्या करोगे, इंटरनल में जैसे आपने ईसॉप हो गया, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है, एक कर दिया। और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल से आप लोन, ठीक है, लोन हो गया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू, देखो नहीं समझ में आ रहा ना, तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ बॉन्ड, ठीक है, सब सारे सोर्स हैं, सारे सोर्स हैं। एंजल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वेंचर कैपिटल, सारे सोर्स लिख के सारे सोर्स को एक्सप्लेन कर दो। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में, जिस सेमेस्टर में भी हो, तो आपको इशू ऑफ इक्विटी शेयर पता ही होगा, उसको एक्सप्लेन कर दो। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या करोगे, इक्विटी शेयर का डिफिनीशन डालो और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ओन्ड कैपिटल, बारोड कैपिटल, नहीं समझ में आ रहा इंटरनल एक्सटर्नल नहीं समझ में आ रहा है तो एक ओन्ड कर दो, एक बारोड कर दो, ठीक है। ओन्ड में क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ए ओन्ड हो गया। अब बारोड में क्या करो, लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। या तो इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स कर दो, या तो आप क्या कर दो, ओन्ड एंड बारोड, उसका एक ट्री बना के दिखा के उसको एक्सप्लेन कर दो। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, हाँ अभी हमारी काफ़ी टॉपिक बचे हैं। चलो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, अगर आपको ये टॉपिक मिला तो सबसे पहले आप अपने लेमन लैंग्वेज में, या तो इसको
आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसको पढ़े। एनालिसिस मतलब क्या है, उसको जानना कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। फाइनेंशियल एनालिसिस इन्वॉल्व इवेल्यूएशन एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस थ्रू द रेशियो ट्रेंड कंपटेटिव एनालिसिस रिपोर्ट इंक्लूड द बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इफेक्टिव एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग फॉर द क्रिशियल एंड ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग। देखो एनालिसिस मतलब क्या है कि आप उसको चेक करते हो कि क्या है। जैसे देखो पिछले साल का ट्रेंड क्या था, एक होता है ट्रेंड एनालिसिस। आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे, ट्रेंड मतलब आपको पता चल रहा है पिछले साल से कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है कितना कैसे चल रहा है। दूसरा रेशियो एनालिसिस, बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे हैं एनालिसिस, बहुत सारे हैं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि पिछले साल का रेशियो क्या था, इस साल का रेशियो क्या है, पिछले साल का ना कहो तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है और लॉस का रेशियो क्या है, एक्सपेंसेस का रेशियो क्या है। कंपेरेटिव एनालिसिस आप बोल सकते हो कि कंपेयर कर देना, दूसरे एक दूसरे से कंपेयर कर देना, ठीक है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ पी एल एंड इनकम स्टेटमेंट, इन सबको एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रेशियो हैं, अगर आपने बुक पढ़ रखा है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा ट्रेंड एनालिसिस तो लिख के आना, रेशियो एनालिसिस तो लिख के आना, कंपेरेटिव एनालिसिस तो तीन तो लिख ही के आना। आप चार्ट बनाओ, उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अब क्यों क्यों करते हैं एनालिसिस, जिससे हमें फाइनेंस कर एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, फ्यूचर को आप फोरकास्ट कर सकते हो, कितने से बढ़ा कितने से घटा आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, बजटिंग अगर आपको मिला बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बजटिंग को एक्सप्लेन करोगे, फोरकास्टिंग नहीं समझ में आ रहा है तो देखो आप लिखो बजटिंग, लिख दो ना। बिफोर वी नीड टू बी अंडरस्टैंड बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेपरेट मीनिंग ऑफ बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। सो पहला हेडिंग डालो फोरकास्टिंग, ठीक है। फोरकास्टिंग आप अगर उसकी लिटरल मीनिंग पे भी जाओ कि फोरकास्टिंग मतलब क्या आता है, फोरकास्टिंग मतलब होता है कि फ्यूचर को एनालिसिस करना, फ्यूचर को फोरकास्ट करना कि आगे चल के ऐसा होगा, प्रेडिक्ट करना, ठीक है। बजटिंग मतलब क्या, एक बजट प्रिपेयर करना उसके बेसिस पे, ठीक है। आ जाओ, बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अचीविंग द फाइनेंशियल गोल। बजटिंग मतलब क्या है कि एलोकेट करना रिसोर्सेज को कि फाइनेंशियल गोल अचीव करते हैं। फोरकास्टिंग इन्वॉल्व प्रिडिक्टिंग अ फ्यूचर, प्रिडिक्ट करना, ठीक है, फाइनेंशियल आउटकम इन द बेस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा एंड मार्केट ट्रेंड, ठीक है। तो आप फोरकास्ट को एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो, फिर नहीं समझ में आ रहा है दोनों को टुगेदर मर्ज करके एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैपिटल बजटिंग एंड डिसीजन। कैपिटल बजटिंग एंड डिसीजन, बच्चों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं इतना तेज़ क्यों चल रहा हूँ, ये आपका रिवीजन वीडियो है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो टारगेट गुरुकुल ऐप पे जाइए, वहाँ पे बहुत ही मिनिमम जाता है, इतनी मिनिमम कॉस्ट में कि आपका एक बर्गर की प्राइस में आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट आ जाएंगे। एक बर्गर, मैं एक बर्गर 60 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जाइए, आप वहाँ से टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद आप वहाँ से हमारे प्रॉपर क्लासेस को परचेज़ कर लीजिए, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, ओके। चलो, तो काफ़ी टॉपिक हमारे बचे हैं, हमने काफ़ी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। चलो, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग इन्वॉल्व इवेल्यूटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इवेल्यूट करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट इंक्लूड प्रोजेक्ट ट्रेंड रिस्क असेसमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन। आप लिखो कैपिटल बस्टिंग सीबी, सीबी में क्या इंक्लूड है, सीबी में
इंक्लूड है, क्या करोगे, इवेल्यूएट करोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सेकंड क्या है, सेकंड आपका है प्रोजेक्ट एनालिसिस, थर्ड क्या है आपका रिस्क असेसमेंट, फोर्थ क्या है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इन द बिजनेस फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट इन द बिजनेस फाइनेंस आप क्या करोगे, एक रिस्क मैनेजमेंट को पहले डिफाइन कर दोगे, देन आप बिजनेस फाइनेंस को डिफाइन कर दोगे, देन दोनों को टुगेदर डिफाइन कर दोगे। इसका एक्सप्लेनेशन ही अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा करोगे तो एक पेज में खुद चला जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग असेसिंग मिटिगेटिंग द फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, आपने क्या किया, पहले रिस्क को डिफाइन किया, फिर बिजनेस फाइनेंस को, फिर दोनों को एक, ये आपका 1.5 पेज में चला जाएगा। फिर आप आधे पेज में ग्राफ बनाओ, इट इंक्लूड क्या है आइडेंटिफाइंग असेसिंग एंड मिटिगेटिंग क्या आई एम आइडेंटिफाइंग असेसिंग एंड मिटिगेटिंग। आपका एक कंप्लीट हो गया दो पेज में, आइडेंटिफाइंग को एक्सप्लेन करो, असेसिंग मिटिगेटिंग को एक्सप्लेन करो, तीन से चार पेज में एक खुद हो जाएगा। और आपको ये अकेले नहीं मिलेगा, इसके साथ दो क्वेश्चन मिलेंगे या तो छोटे छोटे दो पार्ट करके मिलेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द ग्रोथ, कुछ नहीं करना है, पेज भरना है अगर आपको तो पहले फाइनेंशियल प्लानिंग को एक्सप्लेन करो, फिर ग्रोथ को एक्सप्लेन करो। ठीक है, अब उसके बाद आप अपने टॉपिक पे आ जाओ। देखो दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद अपने टॉपिक पे ज़रूर आना, पहले सेपरेट देन कंबाइन। फाइनेंशियल प्लानिंग फोकस ऑन द एलोकेटिंग द रिसोर्सेज एक्सपेंशन इनोवेशन एंड स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव। इट इंक्लूड फोरकास्टिंग बजटिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इसेंशियल फॉर द सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसमें दो आप कर सकते हो कि इम्पॉर्टेंट क्या है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि हेल्प करेगा इनोवेशन में, हेल्प करेगा फोरकास्टिंग में। ठीक है, हेल्प कर देगा क्या कि सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, कोर कंपटेंसी जो भी आएगा आप इससे सिमिलर लिख सकते हैं। ओके, अब आपका आ जाता है, अभी क्या क्या बचा है, रोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल एथिकल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपके क्या क्या बचे हैं, उसके बाद आपके चैलेंजेस इन बिजनेस फाइनेंस और फ्यूचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड कंक्लूजन। ओके, हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, चलो रोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब क्या करना है, बिजनेस फाइनेंस प्ले द क्रूशियल रोल इन स्ट्रेटजिक डिसीजन इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट चॉइस ऑपरेटिंग ऑपरेशनल प्लानिंग। इट इंक्लूड द फाइनेंशियल इनसाइट नीडेड फॉर द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अंडरस्टैंडिंग द रोल इज इसेंशियल फॉर द बिजनेस सक्सेस। रोल क्या है कि अगर आप बिजनेस फाइनेंस, सबसे पहले आप बिजनेस फाइनेंस को एक्सप्लेन कर देना, अगर सिंगल क्वेश्चन मिलता है तो बिजनेस फाइनेंस को एक्सप्लेन कर देना, उसमें उसके बाद आप एक्सप्लेन कर देना कि क्या क्या रोल हो सकता है, क्रूशियल रोल हो सकता है स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग में, इन्वेस्टमेंट चॉइस में, ऑपरेशनल प्लानिंग में। ठीक है, फाइनेंशियल इनसाइट नीडेड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस सक्सेस में। ठीक है, पांच पॉइंट बना के लिख दोगे तो भी बेटर है। क्या है, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट चॉइस, ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है, डिसीजन बिजनेस सक्सेस, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अगर इतने पॉइंट बना के लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं कहूँगा आप चार्ट ग्राफ साथ साथ बनाते रहना। फाइनेंशियल एंड इथिकल गवर्नेंस, फाइनेंशियल इथिकल इन्वॉल्व इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। सिंपल सा तीन वर्ड लिख दो अगर आपको मिले कि एथिक्स
एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तीन चार वर्ड लिख दो, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ठीक है, तीन चार चीज लिख दो, तीन तो क्रूशियल लिख दो, कैसे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, तीन ऐसे टाई, यहाँ से आप कर लो टाई, तीन वर्ड टाई तो जरूर, जहाँ पे आपको एथिक्स दिखे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखे, तीन वर्ड तो कर दो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस ऑन रेगुलेटिंग ओवरसाइड ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी अनहोल्डिंग द फाइनेंशियल एथिक्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए एसेंशियल फॉर ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। अब देखो टाई लिख दो, उसके बाद आप लिख दो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प करता है कि कैसे रेगुलेट हो रहा है बिजनेस, ठीक है, और अगर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो आपका ट्रस्ट एंड रेपुटेशन बिल्ड होता है, ठीक है। चल आ जाओ हम लोग सेकेंड में चलते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड इनोवेशन द ट्रांसफॉर्मिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, इट इनहेंस द इफिशियंसी सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इन कंपेरेंस द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑफ क्रूशियल कंपटेटिव एडवांटेज। बहुत ही ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इससे खुद से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। ओके आ जाओ ग्लोबल बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रेंड, इसको आप डिटेल में देख के जाना, थोड़ा सा मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। ग्लोबल बिजनेस फाइनेंशियल ट्रेंड इंक्लूड सस्टेनेबल फाइनेंशियल, डिजिटल करेंसी एंड इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, इट आल्सो इन्वॉल्व द ग्लोबल मार्केटिंग इंटीग्रेशन एंड अक्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रेंड इज़ अ क्रूशियल फॉर ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी। आप चार पांच की पॉइंट बना लो कि ग्लोबल बिजनेस फाइनेंस ट्रेंड में क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, डिजिटल करेंसी एंड इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और क्या क्या इंक्लूड है, मार्केट इंटीग्रेशन और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। मार्केट इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे से मार्केट को इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट मतलब क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, यही ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड है, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आप इंडिया में बैठे बैठे US के स्टॉक एक्सचेंज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक पार्ट हो गया ग्लोबल बिजनेस फाइनेंशियल ट्रेंड का, ठीक है। चैलेंजिंग इन अ बिजनेस फाइनेंस, इसको करके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैलेंजिंग इन अ बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, रेगुलेटरी चेंजेस एंड फाइनेंशियल मार्केट वायलेशन। क्या क्या चैलेंज है, चैलेंज भाई जो भी आपको डिफिकल्टी समझ में आए, इकोनॉमिक क्या है, अनसर्टेन है, रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो चेंज होते रहते हैं या वायलेशन होता रहता है, फाइनेंशियल मार्केट वायलेट होता है, ठीक है, अनसर्टेन है, इट इन्वॉल्व साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी बड़ा थ्रेट है, आजकल हर कंपनी को अपना आईटी डिपार्टमेंट सेटअप करना होता है जिसकी कॉस्ट बहुत हैवी आती है, क्यों, उनको रिस्क है, क्या रिस्क है, कहीं हैक ना हो जाए, ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक कब शिफ्ट हो जाए किस ट्रेंड पे, वो फोकास्ट नहीं है। एड्रेसिंग दिस चैलेंज इज क्रूशियल फॉर फाइनेंशियल रेजिलिएंसी, ठीक है, तो आप चार पांच की पॉइंट बनाओ और उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फ्यूचर ऑफ बिजनेस एंड देखो, फ्यूचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फ्यूचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज इन्वॉल्विंग द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। फ्यूचर क्या है बेटा, फ्यूचर क्या है कि सब लोग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करें, आप इसमें ना एक पॉइंट AI को भी इंक्लूड करके इससे रिलेट करके लिख सकते हो। देखो इट आल्सो इन्वॉल्व इनोवेशन ऑफ फंडिंग मॉडल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वेंसिंग द फ्यूचर बिजनेस फाइनेंस एसेंशियल फॉर अडॉप्टिंग एंड ग्रोथ।
अगर आप क्या कर रहे हो कि अगर एआई को, टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर रहे हो तो आपके ग्रोथ में क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्टी आ जाएगी। कंक्लूजन, एक कंक्लूजन हर 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 क्वेश्चन के बाद कंक्लूजन हेडिंग डालेंगे, आप ज़रूर लिखेंगे कंक्लूजन में जो भी आपने लिखा है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और ध्यान दें कि नीचे ग्रुप में एक और चैनल का लिंक है, आप उसको क्या करें, उसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू।